रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश माने शिंदे ने हाल ही में एक ग्रेटिट्यूड नोट जारी किया था। उनका दावा है कि यह नोट सुशांत सिंह राजपूत ने रिया चक्रवर्ती की डायरी में लिखा था। इस नोट में कई लोगों के नाम हैं। यह नोट सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। सुशांत के फैंस इस पर सवाल उठा रहे हैं कि उनका कहना है कि यह सुशांत की हैंडराइटिंग नहीं है। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती की तरफ से जारी ग्रेटिट्यूड नोट को उनके फैंस सुशांत की हैंडराइटिंग से कंपेयर कर रहे हैं। इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। इस नोट में 5 नाम लिखे हैं और लिखा है कि इन लोगों के जीवन में होने पर मैं आभारी हूँ। इस लिस्ट में नाम है लिल्लू, बेबू, सर, मैडम और फर्ज। रिया का कहना है कि लिल्लू शौविक, बेबू रिया, सर रिया के पापा और मैडम रिया की मम्मी है। सुशांत के इन लोगों के नाम के साथ लिखा है कि वह ग्रेटफुल है कि लोग उनके जीवन में हैं। एक्सपर्ट ने बताया कि वकील के पोस्ट में जो राइटिंग दिख रही है वह चेक करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अक्षर कैपिटल लेटर्स में हैं और शब्द नहीं है। रिया ने इस हैंडराइटिंग नोट के साथ एक सिपर की तस्वीर भी शेयर की थी जिसमें छिछोरे लिखा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया का कहना था कि इस हैंड नोट और सिपर के अलावा उनके पास सुशांत की कोई चीज नहीं है। बता दें कि ईडी ने रिया से करीब 9 घंटे पूछताछ की थी। सुशांत के पिता ने रिया पर पैसों के हेर फेर का आरोप भी लगाया। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी जांच कर रही है।